उनका समान जान का समान दान मिले, समान दान मिल रहा है तो 40,000 मिलना चाहिए, मिल रहा है 19,000। वहां से निकले गए रत्नागिरी तो वहां आशा कर्मचारी छूट गई कि जिनका अभी बड़ा हड़ताल लंबा अभी सेटल हुआ है। वहां से निकले रायगढ़ आए तो पनवेल में तमाम इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स जुट गए, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट बिल 2022 पारित मत करो। अब वहां से आए इधर तो हम यहां देख रहे हैं कि पूरे धारावी के रहवासी बोल रहे हैं यहां से अडानी को भगाओ। जहां जहां ये जाएंगे मुझे विश्वास है कि जितने मेहनत कश है उनके मुद्दे सामने आएंगे और कोई नहीं चाहता कि यहां मोदी फिर से लौट के आए। अभी सिंह ने बताया कि ये दोबारा आए 2019 में तो कहते कि अधिक पद से आए, पुलवामा हुआ इसके लिए आए, जो कुछ नाटक उन्होंने किया उसके बावजूद जिन्होंने वोट डाले उसमें से 37% ने उनको वोट दिया, 63% उनको वोट नहीं दे रहे हैं। लोग पूछते थे उनके जो भक्त हैं वो, अच्छा ठीक है आपका माना मोदी नहीं तो कौन, अब वो भी अपने को जवाब दे दिया है मोदी नहीं तो इंडिया। और उसके लिए मैं यहां धन्यवाद देता हूं, यहां शिवसेना, राष्ट्रवादी, बहुजन वंचित आघाड़ी, पीयूसीआई, सीपीआईएमएल, शेतकरी कामगार पक्ष सब इकट्ठा हो गए। यही सॉल्यूशन है, जब 2024 की इलेक्शन आएगी तो एक के सामने एक हम करते हैं तो इनकी हार निश्चित है, मोदी नहीं लौटेगा। ये जहां जाए वहां एकदम निर्लज्जता से अडानी को सपोर्ट कर रहा है। अभी आपने सुना वाडवन के बारे में, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कोल वाले बता रहे हैं कि जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है तो वहां लोगों को कहा जा रहा है, वहां के एनटीपीसी को या और जो अपना जनरेशन के ये है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, कि कोल इंडिया के जितना आप कोल लेंगे तो उसके 6% ये अडानी का कोल लियो। ये अडानी का कोल का मतलब क्या है, ये अडानी ने इंपोर्ट किया हुआ, जाहिर है कि वो ज्यादा दाम में बेच रहा है, फिर भी उनके ऊपर ये सख्ती की जा रही है। इसका असर आपके ऊपर होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ाएंगे। तो ये है चमचा की, इन्होंने उनको मदद करना और वो उनको मदद करते हैं। आप जानते हैं ना कि वो जो घूमता ही नहीं उधर प्लेन में वो अडानी प्लेन है, सब जाहिर है। उस मुद्दे पर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे कई एक अभी आज जब हम यहां बात कर रहे हैं वहां उत्तराखंड में 41 वर्कर ये टनल में बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कहते हैं ना कोड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड बकवास है, उनके लिए जो सेफ्टी का काम करना चाहिए था वो नहीं किया, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वहां कंत्राटदार है तो उनको मुनाफा हो इसके लिए उन्होंने कुछ वो वहां अलग से टनल बनाए कि नहीं, एस्केप रूट बनाए कि नहीं, किसी कोई लेखपाल नहीं। आज 41 वर्कर जो हमारे बंधु है वो वहां फंसे हुए हैं, आप सोचिए उनके फैमिली को क्या होता होगा। ये आदमी को शर्म है, आदमी को ऊपर बैठा हुआ है, इनको भगाना है। बस एक ही एक यहां का मंत्र है, एक ही एक खुलकर बोलने की वक्त आ गया। लोग बोलते कि आपने डायरेक्ट बोल दिया भाजपा हटाओ, यस डायरेक्ट बोलेंगे, अभी छुपकर बोलने की वक्त ही है। 2024 में जब चुनाव आएगा भाजपा को भगाओ, यही नारा है इनकलाब जिंदाबाद।